खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राजीव स्मृति पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वन शहीद स्मारक का अनावरण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 20वां वन शहीद दिवस है, ऐसे में वन प्राणी और वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी वनकर्मी शहीद हुए हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी वीर सपूतों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं उन्होंने बारिश को लेकर कहा कि इस बार प्रदेश में अधिक वर्षा हो रही है, विशेषकर बस्तर क्षेत्र पर, जिससे बाढ़ की स्थिति पर हमारी सरकार अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही सभी जिलों के कलेक्टरों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। और ऐसे समय में वन्य प्राणी की सुरक्षा, प्राकृतिक वन संपदा की सुरक्षा के लिए जितने भी पिछले दिनों हमारे वनकर्मी शहीद हुए हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने पैरों पर जगह दें, वैकुंठ में उनका वास हो। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं और वन विभाग के सारे हमारे अधिकारी और विभिन्न प्रदेशों से भी यहां पर उपस्थित हैं। और इसके बाद इनका कार्यशाला भी यहां पर होना है। और ये जो आज इसका नामकरण शहीद वन स्मारक वन ऐसा होगा।